गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इरशाद चौधरी, आपका एसएसटी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी हैं और ताकि हम जो है ऑनलाइन क्लास चला सकें उसके लिए शासन की तरफ से भी हमें आदेश हुए हैं। जब तक ये शीतकाल सत्र चल रहा है तब तक हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ये शासन की तरफ से हमारे पास ऐसा आदेश है। तो इसलिए ऑनलाइन मैं हूं आपके सामने आज, और मैं आपके सामने एसएसटी का चैप्टर नंबर 22 लेकर आया हूं। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर करा चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर 22 ये नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय है, भारतीय संविधान। संविधान नियमों तथा कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जो किसी देश के प्रशासनिक तंत्र को स्थापित करता है। यह विभिन्न संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्रों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारों के मध्य को परिभाषित तथा निर्धारित करता है। कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुतियों के अनुसार भारत के संविधान के निर्माण के लिए 1946 ईस्वी में एक संविधान सभा की स्थापना की गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के सदस्य दलों के आधार पर नहीं चुने गए थे बल्कि वे समाज के सभी क्षेत्र से थे। उन्होंने भारतीय नागरिकों के प्रत्येक वर्ग तथा प्रतिनिधित्व किया। संविधान का प्रारूप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति द्वारा बनाया गया। इस प्रारूप समिति ने संविधान को अंतिम रूप देने में 2 वर्ष 11 माह तथा 17 दिनों का समय लिया। संविधान के अंतिम रूप में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। कुल 7000 से भी अधिक संशोधनों के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 2473 संशोधनों पर क्रियान्वयन हेतु विचार किया गया। यह पूर्व प्रक्रिया उस गंभीरता को दर्शाती है जिसके साथ संविधान की रचना की गई थी। वास्तव में यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी के विचारों को सुना गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की दिनांक को चुना गया क्योंकि इस दिन 20 वर्ष पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव दिया था। 1950 ईस्वी से यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब इसे थोड़ा सा शॉर्ट आउट करते हैं बच्चों। इसमें बताया गया है कि संविधान जो है एक नियमों और कानूनों का संग्रह है जो कि पूरे प्रशासनिक अमले पर लागू होता है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से काम नहीं कर सकता, वो संविधान के दायरे में रहकर ही काम करता है। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसके अंदर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारों के मध्य संबंधों को परिभाषित तथा निर्धारित करता है। ये सब जितने भी ये न्यायपालिका, कार्यपालिका और ये राज्य सरकार, ये सब संविधान के दायरे में ही रहकर कार्य करती है। अपनी तरफ से कोई इस तरह का कार्य जो संविधान के खिलाफ हो नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो प्रारूप समिति, जब ये संविधान बन रहा था तो इसे बनाने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी कि इसमें किस तरह के लोग होंगे, कैसे लोग होंगे और कौन किस तरह का कार्य करेगा। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी थे। उन्हीं की देखरेख में ये सारा संविधान का जो रूपरेखा थी वो सारी तैयार की गई थी। और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हमारा जो संविधान है वो 2 वर्ष, नोट कर ले इसको, कि वो 2 वर्ष 11 महीने 17 दिनों में बनकर तैयार हुआ था। हमारे संविधान को बनने में, ध्यान रखें, 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन लगे थे। और इसके अंदर एक बात और बताई गई है कि यह लागू कब किया गया था।
1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की दूरदर्शिता, भारतीय संविधान की दूरदर्शिता हेडिंग है ये, इसको पढ़ते हैं। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह संविधान का अक्षरशः अनुकरण करे। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह वह आधार है जिस पर देश के सभी नियम, अधिनियम तथा कानून बनाए जाते हैं, जिसका अंतिम उद्देश्य देश तथा देश की जनता का हित है। यह उन स्वप्नों तथा आकांक्षाओं का आधार है जिन्हें प्राप्त करने की मांग भारत के लोग करते हैं। भारत का संविधान कुछ अग्रिम निश्चित आधारभूत दृष्टिकोणों की स्थापना करता है, जिन्हें हम इसकी प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना भारत के संविधान का परिचय है। यह उन लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा सिद्धांतों को स्पष्ट करती है जिन्हें प्राप्त करने की इच्छा भारत के नागरिक करते हैं तथा उन्हें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों को किसी भी कानून के निर्माण से पूर्व ध्यान में रखना होता है। हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत भारतीय संविधान की दूरदर्शिता का अध्ययन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने इस 3 पैराग्राफ के अंदर जो पढ़ा है वो थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा कि जो भारतीय संविधान है वो देश का सर्वोच्च कानून है, उससे ऊपर कोई नहीं है। सभी लोग संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। अगर कोई संविधान से हटकर कार्य करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये संविधान में है। और इसका जो अंतिम उद्देश्य है, भारतीय संविधान का जो अंतिम उद्देश्य है वो देश तथा देश की जनता का हित है। जिन बातों में, जिन कार्यों में जनता का या देश का हित हो वो कार्य इसके द्वारा किए जाएंगे, अन्यथा नहीं। और इसमें बताया गया है प्रस्तावना भारत के संविधान का परिचय है। जो संविधान का परिचय है वो सारा प्रस्तावना में लिखा गया है। संविधान की आप कभी जब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसी के साथ अगला टॉपिक है संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता शब्द से तात्पर्य सर्वोच्च शक्तियों का देश में निहित होना है। भारत एक संप्रभुत्व राज्य है क्योंकि यह किसी भी अन्य शक्ति या देश के हस्तक्षेप के बिना कानून बना सकता है। यह सर्वोच्च शक्ति भारत के नागरिकों में निहित है। यहाँ के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनकी ओर से शासन करते हैं। ये प्रतिनिधि कानून बनाते हैं तथा संपूर्ण देश के लिए नियमों की रचना करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा संप्रभुता के बारे में कि जो संप्रभुता है वो सर्वोच्च शक्तियों का देश में निहित होना है। जितनी भी शक्तियां हैं वो उसके अंदर निहित होती है। इसी के साथ साथ अब जो अगले टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।